तो हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल। तो उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो अपनी YouTube फैमिली 1000 पार हो चुकी है, तो अब मजा आने वाला है। आपको मेरे आवाज़ से पता चल रहा होगा कि कितना खुश हूँ मैं। तो सबसे पहले तो मैं, मेरे लिए काफ़ी शुरुआत में स्टार्ट करना काफ़ी मुश्किल भरा रहा, क्योंकि फैमिली को सबसे पहले मनाना, बाइक लेना बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ फैमिली को इस बारे में कुछ पता होता नहीं है। तो किसी भी फैमिली को शुरुआत में भाई विश्वास दिलाना तो मुश्किल काम होता है। तो सबसे पहले मैं अपने मम्मी पापा को थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि सामने से बहुत कम ही होता है हम लोग बोल पाते हैं। खास करके मैं तो सामने से बहुत कम ही होता है कि ऐसा बोल पाऊँ थैंक यू या फिर जो भी है। तो मम्मी भी वीडियो देखती है, तो मम्मी थैंक यू, पापा को भी थैंक यू। तो और अपना जितना भी सपोर्टर है, जितना यूट्यूब फैमिली, सभी को दिल से धन्यवाद। और बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, क्योंकि अब आने वाला दिन और भी बेहतर होने वाला, और भी अच्छे सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। मेरा 1000 सब्सक्राइबर जो है वो कलश स्थापन के दिन हुआ है, जो मेरे लिए माता रानी के एक आशीर्वाद की तरह है। और मैं माता रानी से दुआ करूँगा कि आप लोग सब जिंदगी में हमेशा खुश रहो और हमेशा उन्नति करो। और आने वाला समय निश्चित, आप लोग निश्चिंत रहो, जैसे दुर्गा पूजा ख़त्म होगा मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ, उस प्लान के अंतर्गत आपको काफ़ी बेहतरीन चीज़ देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अपन लोग अभी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, जोगबनी। जोगबनी इसलिए जा रहे हैं कि मैं सोचा ना कि आज अभी दशहरा तक तो मैं कहीं जाने से रहा नहीं वीडियो बनाने के लिए। मैं सोचा जोगबनी चल के आप लोगों को दिखा लूँ और साथ में आप लोगों से बात भी कर लूँ। भाई एक मज़ेदार ट्विस्ट में बताओ भाई, क्या सीन है भाई, पता है ये पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री भाई, उसका रिकॉर्डिंग आउट हो चुका भाई। ब्लैक जो है इंटरनेट की दुनिया, ब्लैक मार्केट इंटरनेट में बोले तो ब्लैक मतलब जो भी हो भाई, है ब्लैक इंटरनेट के मामले भी, वहाँ पे भाई बोली लगाया जा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जो वॉइस कॉल रिकॉर्ड किया गया, काफ़ी लंबा चौड़ा रिकॉर्डिंग है भाई, 8 GB में है भाई, समझ रहे हो कुछ। उसमें सबसे मज़ेदार ट्विस्ट मेरे को ये लग रहा है ना कि उसमें भारत के साथ जो डील किया गया वो काफ़ी वायरल हो रहा है। इसलिए वायरल हो रहा है ना कि पाकिस्तान भारत के मामले में कोई भी चीज़ खरीद बिक्री के मामले में वहाँ के आदमी जो है खुला विरोध करते हैं। तो ये चीज़ हो रहा है, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है उसकी भतीजी के दामाद के लिए यहाँ से पावर प्लांट के लिए बात किया गया था, वो रिकॉर्डिंग काफ़ी वायरल हो रहा है। मतलब अभी ना देश में काफ़ी तगड़ा वाला सब न्यूज़ सब चल रहा है। कुछ बात आप लोगों से और करना चाहूँगा। मेन प्रॉब्लम क्या है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि आपका मजाक अच्छी तरह बनाएंगे। शुरुआत में तो काफ़ी मुझे सामना करना पड़ा, क्या करना चाह रहा है लड़का, ये वो बहुत सारा फलाना ढिमका, ये बात वो बात, तो वो सब मैं सब मैनेज किया। अभी क्या है ना कि अब कोई नहीं बोलता, पहले मम्मी पापा को ही बोला जाता था, अब मम्मी पापा को भी, अब मम्मी पापा भी समझ गए और मम्मी पापा भी मेरे को नहीं बोलते ऐसा कुछ। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत तो फिर भी अभी सुनने को मिलता होगा, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है अभी क्या हो रहा है, 1000 सब्सक्राइबर पूरने के बाद मैं जब स्टोरी लगाया तो कुछ ऐसे लोग आए स्टोरी पर हंस दिए। अब पता नहीं क्यों हंस दिए, उसके लिए भाई ये आम बात होगा, उसे लग रहा होगा यार 1000 पुड़ा करके क्या कद्दू में तीर मार लिया, तो उसके लिए भाई नॉर्मल बात होगा। मेरे लिए तो बहुत ही, मतलब वो एक स्टेप होता है ना कि सीढ़ी का, जो आपका सक्सेस का सीढ़ी जो होता है उसका पहला पौधा है 1000 सब्सक्राइबर। तो जोगबनी मार्केट अब अपना स्टार्ट हो चुका है, और आप लोग प्लीज़ यार वीडियो पूरा देखा करो, काफ़ी भीड़ रहता भाई। ज़्यादा लंबा आपको मार्केट नहीं है, बट हाँ काफ़ी आपको यहाँ पर भीड़ देखने को मिलेगा। नेपाल से बहुत लोग यहाँ आते हैं, देख रहे हो, ये देखो भाई नेपाल का बाइक आपको काफ़ी यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि नेपाल वाले को लिए भी, नेपाल वालों के लिए भी क्या ही बोल दे, काफ़ी बेहतर यहाँ है, क्योंकि काफ़ी कम दाम में बहुत कुछ अच्छा उन्हें मिल जाता है, काफ़ी सब कुछ, क्योंकि भाई ये देख रहे हो भाई क्या बताया जाए, क्या ही किया जा सकता है। ये देख रहे हो भाई, मैं जैसे बताया ना
काफ़ी भीड़ देखने को मिलेगा भाई, और अधिकतर आपको यहाँ नेपाल के ही लोग देखने को मिलेंगे। लड़की का रिएक्शन, मम्मी देखती है, पता है कि स्टोरी मेरे साथ क्या हुआ। तो इसी एक दिन भाई कोई मतलब नई शादी हुई थी उसकी, वो देख रही थी, मेरे को मम्मी को बताया ना, मम्मी ऐसा ऐसा बात कोई नई शादी हुई थी वो देख रही थी, तो मम्मी बोली ज़रूर तुम देख रहा होगा। बोले क्या मम्मी तुम्हें, तो ऐसा वीडियो में बोले बाद मम्मी देखे, फिर बोली गेरे तुम देख रहा होगा तभी तो देख रही होगी। तो खैर कोई बात नहीं। तो भाई मेन है कि यहाँ का रोड देख रहे हो भाई, काफ़ी मतलब छोटा सा रास्ता है, उसमें फिर आना जाना और बॉर्डर एरिया, इसके वजह से यहाँ जाम रहता है। और मार्केट काफ़ी देख रहे हो, काफ़ी आपको यहाँ भीड़ देखने को मिलेगा, काफ़ी चहल पहल एकदम भौकाल वाला जो होता है ना भाई। और अभी दुर्गा पूजा को लेकर के काफ़ी अलग ही भौकाल मचा हुआ होगा। वैसे तो यहाँ रेगुलर आपको पूरा एकदम भीड़ देखने को मिलेगा, खचाखच एकदम लोगों, सिर्फ लोग ही लोग, खास करके महिला की संख्या यहाँ अधिक देखने को मिलती है भाई। लेकिन मजाक नहीं, सीरियसली यार नोटिस करना आप लोग भी, ये कोई मजाक में नहीं कर रहा। भाई खुद का पहचान जो बना, देख रहे हो भाई, देख रहे, खुद का पहचान बनाने का एक अलग ही मजा है, और मैं बस वही करने में लगा हूँ। और मेरे लिए स्टार्ट करना काफ़ी, ये बोलते हैं ना क्या बोलेंगे आप, यार समझिए, मतलब दिमाग में एग्जैक्टली मतलब बोल नहीं पा रहा हूँ क्या होता है, हाँ वो है। तो खैर कोई बात नहीं, मेहनत करना है बस, आप लोग प्यार दिखाते रहो। भाई गर्मी एक अलग ही भौकाल मचेल है, और इस जाम में तो भाई और तगड़ा वाला सीन होया हुआ है। मेन क्या है ना कि यहाँ देख रहे हो भाई, रोड पे जो गाड़ी लगा दिया जाता है ना, और मार्केट भी यहाँ पे आपको रोड पे ही बहुत सारा मार्केट में मिलेगा, ठेला पे सब कुछ, तो उसके वजह से भी प्रॉब्लम होता है, और ये आपको हो कहीं रहेगा। अरे कितना हॉर्न दे भाई, जा ही रहा है सब, तो हॉर्न दे के क्या करे, बोल रहा हॉर्न दे, बताओ यार हॉर्न दे के क्या करेंगे, आगे वाले को जब जगह मिलेगा तब तो, ऐसा नहीं है बिल्कुल खाली है, मुझे भी दिख रहा है, अब क्या ही बोल सकते। ये देख रहे हो भाई कैसा रॉकेट जैसे घुसे आ रहा, देख लो भाई ऐसा लग रहा भाई रॉकेट छोड़ा हुआ हुई सिन घुसा देता। अपने साइड जाए तो अलग बात है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, रॉन्ग साइड घुसाने के बाद सामने वाले को भी प्रॉब्लम होता है। तो अभी देख लो भाई ये कुछ सीन है भाई, आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, और अभी अपन आपको जंक्शन भी चल के दिखाऊंगा, उसके बाद फिर यहाँ से अपन निकलने वाले हैं। भाई गर्मी तो अलग ही लेवल का लग रहा है, जो को यार मजाक नहीं, सीरियसली मेरे को लगा नेपाल साइड में गर्मी कम होगा, बट फिर भी गर्मी है यार। ओ अगर मैं चाहूँ ना तो भाई मेरे लिए ये सब जाम बड़ी बात नहीं है भाई, बट ऐसे में क्या ना कि सिंगल रहता हूँ तो अलग बात है, डबल हूँ और मैं नहीं चाहता कोई भी यहाँ ऐसा कुछ कांड हो, बस आराम से मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ और निकल जाना चाहता हूँ। आप लोगों सामने दिख रहा होगा वो द्वार, भाई वही है मेन बॉर्डर। क्या भाई, नहीं क्या सीन हो रहा है, देख रहे हो, देख लो भाई। और भाई सबसे बड़ी बात बताऊं भाई, बॉर्डर पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो मैं मेन जो बॉर्डर है वहाँ तो वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो वो सामने जो दिख रहा है आपका बॉर्डर है, और अभी अपन चलेगा जंक्शन, आप लोगों को मैं जंक्शन का सीन दिखाने वाला हूँ। गर्मी से भाई क्या बताऊँ, टी शर्ट भींग चुका है।
तो भाई अंदर चलेंगे नहीं, क्या ही अंदर जाके दिखाऊं, कुछ ऐसा दिखता अपना। तो अभी भाई दो भाई फ़ोटो खिंचाए, तो एक भाई चैनल सब्सक्राइब किए पूछ करके, मोतिहारी के थे, तो भाई तभी तो कैमरा ऑन था नहीं, क्योंकि मैं फ़ोटो क्लिक कर रहा था तो मैं कैमरा ऑफ कर दिया था। तो भाई खुशी देख रहे हो भाई, इसमें खुशी है भाई, कोई आपको आके अगर साथ में फ़ोटो खिंचाता। मैं फ़ोटो, अरे यार अच्छा मैं थोड़ा सा बाहर निकलता तो बताता हूँ क्या हुआ। हाँ तो हम लोग बात कर रहे थे क्या सीन हुआ, तो मैं फ़ोटो नहीं क्लिक करा रहा था नॉर्मली, तो एक भाई आया तो अचानक बोलता भाई रुकना। मैं बोला क्या हो गया भाई, मेरे को लगा भाई के साथ क्लिक कराएगा, फिर बोलता ना भाई आपके साथ मुझे पिक क्लिक कराना है। बोले ओके आ जाओ भाई। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब ऐसा सीन आपके साथ हो, कोई मेरे साथ काफ़ी बार हो चुका है। भले आप लोग अब अलग जितने कोई हैं अगर विश्वास ना करो तो अलग बात है, बट सीन ऐसा हो चुका है मेरे साथ। मैं कटिहार गया हुआ था तो वहाँ भी मेरे साथ ऐसा हुआ कि रास्ते में गोप्रो बंद था, तभी दो भाई मैं, जबकि बता देता हूँ पहले भाई मैं नया, अगर आपको क्लिक कराना तो कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते बाद में ये ना हो उसे फील कि यार किसके साथ खिंचा लिए, सब्सक्राइबर ही नहीं है ये वो, तो मैं पहले ये चीज़ बता देता हूँ। भाई नाम पढ़ रहे यूट्यूब चैनल का, तो भाई पढ़ लो भाई, कल आने वाला है वीडियो, कल गया मैं आज ही अपलोड कर दूंगा। ये सब के लिए कुछ ही नहीं बोला जा सकता, देख रहे हो क्या सीन बना के रखा हुआ, मजा के रखा हुआ। कसम से यार कह रहा हूँ, अकेले रहता ना फिर मैं ये लोगों को बताता। एक तो ये पल्सर वाला तभी से दिमाग का कद्दू दही सब कर दे ले भाई, देख रहे हो। भाई साहब वाह सही है मुन्ना सही है, देख रहे हो जलवा, देख रहे हो भाई खुशी इतना मिल रहा है ना उसको कि क्या ही बोला जाए। सही है, स्कूटी का रॉकेट बनाएगा हुई हुई करके निकाल ला भाई, उसको मैं बताऊंगा ना रॉकेट किसे कहते हैं। तो भाई आज के वीडियो में इतना ही, मैं फिर से आपको 1000 सब्सक्राइबर पुराने के लिए सभी को अपने YouTube फैमिली को दिल से धन्यवाद, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा और अपने भाई को आगे बढ़ाते रहिएगा, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट ही मेरे को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं फिर से एक अच्छे से वीडियो के साथ, इस वीडियो में तो फिलहाल मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाह रहा था इसलिए वीडियो बनाया, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।